हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी आरबीएससी बायोलॉजी की जो बुक है 12th स्टैंडर्ड के लिए, उसके फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर फर्स्ट, इसमें रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो सबसे फर्स्ट में ये देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वे प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, और इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड सीड होते हैं। सीड्स होते हैं मीन्स सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है और स्पोरोफाइटिक। प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक होती है, जो कि विच इज़ लॉन्ग लिव्ड ऑटोट्रॉपिक एंड डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, जो कि रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। दिस रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट जनरेशन। इसमें जो है स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है। हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक इज अनदर जनरेशन विच इज शॉर्ट लिव्ड, वेरी मच रिड्यूस्ड एंड डेवलप्ड ऑन द डिप्लोइड जनरेशन। इसमें दूसरी जो जनरेशन आती है वो आती है हैप्लोइड गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि बहुत ही रिड्यूस होती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आती है इनमें। और ये वाले जो इसका कोई फ्री स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, मतलब ये जो हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है ये स्पोरोफाइटिक डिप्लोइड जनरेशन पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट, देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मेथड्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द एसेंशियल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स मियोसिस एंड सिनगैमेट डू नॉट अकर। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेन इवेंट होते हैं सच एज मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और सिनगैमी जो होती हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब ये वाले जो फिनोमिना होते हैं ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। इसीलिए इसको जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और इसका जो सेकंड नेम होता है वो होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस या जो होता है ये इसी का अदर नेम होता है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग इज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, पेरेंट प्लांट जो होते हैं उसके जस्ट सिमिलर होती है। There are two types of asexual reproduction in angiosperm. Angiosperm जो होते हैं इसमें asexual reproduction की भी दो टाइप होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है एगमोस्पर्मी। In this method of asexual reproduction, the development of plants is through seeds, but meiosis and gametic fusion do not take place in these seeds. ये वाले जो इसमें इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में जो है वो मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन जो होता है, मतलब ना तो मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन ना नहीं होगा तो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी है वो भी नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको जो है वो एगमोस्पर्मी कहते हैं। इसके बाद में सेकेंड टाइप इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट इट्स सीड्स। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो जेनेटल पार्ट्स होते हैं, मतलब जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को छोड़ के अदर कोई भी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं सच एज स्टेम, लीव्स और रूट्स जो होते हैं उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। द प्लांट ऑर्गन यूज टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नॉन एज प्रोपाग्यूल। और इसमें जो पार्ट यूज हो रहा है प्लांट का, कोई भी जो पार्ट यूज हो रहा है उसको हम लोग प्रोपाग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
मे बी आइदर, ये भी जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सेकंड जो है वो इसमें आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दो टाइप का होता है ये। फर्स्ट इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये जो है ये नेचुरली फाउंड होता है, ये मैन मेड नहीं होता है, जनरली प्लांट्स के अंदर होता है। दिस मे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स, अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट बॉडी के उनके थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन फाउंड होता है, ये पाया जाता है। तो फर्स्ट इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय द स्टेम, मतलब स्टेम जो है उसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होना, ये वाला जो है ये स्टेम के द्वारा। और जो स्टेम जो होते हैं इसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक राइजोम, राइजोम जो है इसका एग्जांपल जिंजर, जिंजर होता है, जिंजर अदरक जो होती है उसके अंदर राइजोम के थ्रू होता है। इसके नेक्स्ट है ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जांपल इसमें पोटैटो, आलू जो होता है उसमें ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब जो स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है और जो है इनडेफिनेट शेप में होता है। नेक्स्ट बल्ब, बल्ब का एग्जांपल है इसमें ऑनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट है कॉर्न, कॉर्न का एग्जांपल है इसमें कैलोकेशिया, ये वाले जो है ये होते हैं, ये अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में रनर, रनर का एग्जांपल है इसमें लॉन ग्रास, ये वाले जो ये क्रीपिंग स्टेम होता है, घास जो होती है। शक्कर, शक्कर का एग्जाम्पल है मिंट, पुदीना। स्टोलन जो है इसका स्ट्रॉबेरी, इट इज अंडर फेवरेबल कंडीशन हेल्प द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये वाले जो इसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेकंड जो है इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स, मीन जो रूट्स होते हैं रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। इन सम वुडी प्लांट्स रूट्स गिव अराइज शूट्स विच ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स लाइक द मदर प्लांट, मदर जो प्लांट होता है उन्हीं की तरह जो है रूट्स जो है उनका फॉर्मेशन, रूट से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सच एज नीम, जैस्मिन, इंडियन रेडवुड, सीशो, सीसम जो होता है डलबर्जिया सीसो, ये इन वाले प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वही सोयल से अपर साइड में आके और न्यू प्लांट्स की तरह जो है प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। दीज आर ट्यूबरस रूट इन सम प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस एडवेंटेटिव बर्ड्स, दीज एडवेंटेटिव बर्ड्स गिव राइज टू प्लांट सिमिलर टू द मदर प्लांट, मदर प्लांट की तरह जो इसमें नई प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल्स में स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो होती है, एस्पेरेगस एंड डहेलिया। तो इनमें जो है उसमें रूट्स जो हैं इनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फाउंड होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जो है ये स्वीट पोटैटो जो है उसकी रूट्स जो होती हैं उन रूट्स जो हैं ये स्वेल्ड हो जाती हैं और नए वाले प्लांट्स की तरह बिहेव करती हैं। ये सेकंड जो डायग्राम है ये इसमें डहेलिया के लिए। नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय द लीव्स, लीव्स के थ्रू जो है इसमें सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल इसका वो होता है ब्रायोफिलम, पत्थरचट्टा का जो प्लांट होता है। बर्ड्स डेवलप्ड फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स एंड एंड ये वाले जो है नीचे जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं इसमें ब्रायोफिलम जो होती है इसकी लीव्स के ऊपर, ये वाले जो मार्जिन्स होते हैं मार्जिन्स के ऊपर जो कट्स लगे होते हैं यहाँ से जो है ये वेट सोइल के साथ अटैच होके और अपर साइड में जो है लीव्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे और लोअर साइड में जो है यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो नए प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंड इन बिगोनिया बर्ड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पिटियोल एंड लीव सरफेस ऑफ अलोंग द वेंस विच अपॉन सेपरेशन फ्रॉम द मदर प्लांट्स। बिगोनिया जो होता है उसके अंदर जो पिटियोल होता है वहाँ से इसमें नए प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है जो कि सेपरेट हो गए नए प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला जो लीव्स है इसमें बिगोनिया जो है बिगोनिया का जो ये पिटियोल पार्ट है इस पिटियोल से यहाँ से जो नए वाले जो है लीव्स इसका फॉर्मेशन हो रहा है और लोअर साइड में जो है एडवेंटेटिव रूट्स इनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो है नए प्लांट की तरह बिहेव करती हैं। ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सर्टेन प्लांट्स मल्टी सेलुलर बुलबिल्स एंड फॉर्म इन पैलेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स व्हेन दे फॉल ऑन ग्राउंड टिश्यूज एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें बुलबिल्स या पत्र प्रेप कलिकाएँ जो होती हैं उनसे भी नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वह हैं अगेव एंड डायस्कोरिया।